था बीच में, राशिद लतीफ़ के बारे में अताउर रहमान ने क्या गलत कहा है? राशिद लतीफ़ ने उसे एफिडेविट लिखवाया, उसी के खिलाफ केसेट बना के जज को पेश कर दी। इससे बड़ी आप सोचिए कि वो कहता है कि ये दोस्तों का यारों का यार नहीं, यार मार है, उसी से लिखवा रहा था वसीम के खिलाफ और उसी की केसेट पेश कर दी। तो ये उसने क्या गलत कहा? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था, वो राशिद लतीफ़ MQM का नाम लेता था, वो कहता था जो है अल्ताफ़ मेरा बाप है, अब क्यों नहीं कहता मेरा बाप है? उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व है, तो आए कसम खाए क्यों नहीं खाता? इसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, जावेद भाई इसको लेके आए थे, जावेद मियाँ दादी लेके आए थे ना, सबसे ज़्यादा छुरे उसको घोंपे हैं। तो दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कौन क्या है। ये लोगों का इसने क्या किया है क्रिकेट में मुझे बताएं? ये लोगों को इल्ज़ाम लगा के इतनी जॉबें इसको मिली हुई हैं, और भी पाकिस्तान में 10,000 प्लेयर हैं जो उससे बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा के लोगों पे ये हर जगह जॉब मिल रही है, PTV में पिछले 10 साल से है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से लोगों पर। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को ख़राब करने वाला ये बंदा था, लोगों को सोचना चाहिए। अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था, बोटी की खातिर सबको हलाल किया था, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगा, नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए जी? मेरा मतलब है कि इन लोगों के खिलाफ सबको पता चल गया है, आहिस्ता आहिस्ता अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। हाँ, मुझे तक बताएं, आप लोगों को उसने कहा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आप में से कितने लोगों ने उसके खिलाफ़ बात की है? जर्नलिस्टों के बारे में उसने कहा ना, कुछ चंद जर्नलिस्ट कुत्ते हैं, कहा। आप लोग भी तो डरते हैं कि बोरीबंद लाश ना मिले, जो अभी तक लोगों को डराता है सर, वो अभी तक लोगों को इस बात से डराता है। बहुत से जर्नलिस्ट मुझे पता है कि वो डरते हैं अभी तक कि इसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान टीम को असल ख़राब करने वाला बंदा कौन था। खालिद महमूद साहब ने कहा कि मेरे सामने आओ, क्यों नहीं बैठा उनके सामने, भाग गया। अताउर रहमान सवाल करता है रोज़ के, मेरे सामने आके मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ केसटे दिखाओ। मलिक साहब, आपने किसी भी को आप उल्टी है, कोई डेडलाइन है कि इस वक्त तक आपको जवाब नहीं?